राजस्थान राज्य भारत स्काउट एंड गाइड द्वारा बाड़मेर जिला मुख्यालय द्वितीय चरण की खेल कूद प्रतियोगिताएं इन दिनों आयोजित हो रही है। इसके तहत रविवार को आदर्श स्टेडियम में स्काउट एवं गाइड द्वारा लंबी दौड़, ऊंची कूद, भाला फेंक व फुटबॉल सहित कई खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में स्काउट गाइड के बालचरों ने उत्साह के साथ भाग लिया। राजस्थान राज्य भारत स्काउट एंड गाइड द्वारा बाड़मेर जिला मुख्यालय पर इन दिनों द्वितीय चरण की खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इन प्रतियोगिताओं में स्काउट गाइड बालक बालिकाएं विभिन्न खेलों में उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। बाड़मेर शहर के आदर्श स्टेडियम में आयोजित करवाई जा रही स्काउट गाइड की द्वितीय चरण की खेलकूद प्रतियोगिताओं के तहत रविवार सवेरे लंबी दौड़, ऊंची कूद, भाला फेंक, फुटबॉल सहित अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। स्काउट के अधिकारी NR सोलंकी के अनुसार खेलकूद प्रतियोगिताओं में लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी उत्साह के साथ भाग ले रही है। राज्य भारतीय स्काउट एंड गाइड जिला मुख्यालय द्वारा प्रायोजित द्वितीय चरण की प्रतियोगिता हो रही है और इसमें कल काफी प्रतियोगिता हुई। आज हमारे इवेंट जो 100 मीटर दौड़ हुई है स्काउट की अलग और गाइड की अलग, और 400 मीटर रिले रेस जिसमें स्काउट की अलग और मतलब गाइड्स की अलग। रविवार को आदर्श स्टेडियम में स्काउट गाइड के बालचरों ने जहां दौड़ में अपने दमखम का परिचय दिया तो ऊंची कूद में भी अपना जलवा बिखेरा। भाला फेंक प्रतियोगिता में बालचरों ने उत्साह के साथ भाग लेते हुए लंबी दूरी तक भाला फेंक कर दर्शकों की तालियां बटोरी। फुटबॉल प्रतियोगिता के दौरान भी रोमांचक मैच खेले गए।